हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हाउस ऑफ स्टार्स के एपिसोड 2 के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में वहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और बार बार उसके रिहर्सल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे व्यू आता है और उसको मतलब ऐसे रिहर्सल करते हुए देख लेता है। पे वहाँ भी व्यू को देख लेता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसलिए मैं ऑडिशन पास नहीं कर पाया। वैसे अकेले रिहर्सल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो सुनकर व्यू शॉक होता, कहता है कि क्या मैं। फिर वहाँ कहता है कि हाँ तुम, चलो ठीक है देखो। और वो मतलब ऐसे डायलॉग बोलने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। वहाँ के बोलने के लहजे को देखकर वही उस पे हंसने लगता है और उसे कहता है कि एक मिनट रुको। तो यहाँ पे वहाँ कहता है कि क्या मैंने इतना ज्यादा बुरा किया है वही। तो यहाँ पे वही कहता है कि एक्चुअली इतना ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन क्या प्लीज तुम एक बार इसको क्लियरली बोलो। और यहाँ पे वही जो होता है वो वहाँ को प्रोनाउंस करना सिखा रहा होता है, लेकिन जब उसको लगता है कि वहाँ अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है तो उसे कहता है कि हाँ अब तुम बढ़िया प्रोनाउंस करो, चलो तुम एक बार फिर से ट्राई करो। यहाँ पे वहाँ एक बार फिर से मतलब सारे डायलॉग्स बोलता है, बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा होता है। तो फिर वही कहता है कि रुको, तुम्हें ये सारे डायलॉग्स बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर और धीरे धीरे बोलने हैं। तो यहाँ पे वहाँ एक बार फिर से धीरे धीरे और रिलैक्स होकर बहुत ज्यादा खूबसूरती से डायलॉग्स बोल रहा होता है। तब वहाँ पे मिस सुजी आ जाती हैं और वो भी मतलब इसके डायलॉग्स को बहुत ज्यादा खड़े होकर सुन रही होती हैं। और जब यहाँ पे वहाँ अपने सारे डायलॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे से बोलता है तो सुजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है। और वो वही से कहती है, वही मुझे लगता है कि तुम्हें इसे सिखाना चाहिए और आज से तुम्हें इसे सिखाओगे। मिस सुजी की इस बात से वही तो थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन विया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पे वही विया को बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सियोक और पिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोक पिस से कहता है कि पिस अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है विया से बात करने के बाद। तो पिस कहता है कि हाँ मैंने उससे बात की, मैंने उससे माफी मांगी और मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। यहाँ पे सियोक कहता है कि अच्छी बात है अगर हम बातचीत के जरिए एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके तो। और हाँ, अगर इस तरह की कोई चीज दोबारा होती है तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। वैसे गन तुमसे क्या कहने आया था। तो यहाँ पे पिस कहता है कि गन मुझसे मतलब मेरी तारीफ करने आया था और बस इतना ही हमारी बातें हुई। यहाँ पे सियोक उससे पूछता है कि तुमने क्या कहा और वो अचानक से तुम्हारे पास ही क्यों आया। यहाँ पे पिस कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि मैं उस दिन उसके साथ काम करने गया था, मैंने काफी अच्छा काम किया था और शायद वो चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद आई और शायद मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराना चाहता हो। इस चीज के बारे में जानना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है कि गन अभी क्या सोच रहा होगा। खैर, क्या तुमने फैन मीटिंग के बारे में सोचा? तुम्हें क्या लगता है कि गन इसके बारे में क्या सोचता होगा? तो पिस कहता है कि हाउ शी ने मुझे इस फैन मीटिंग के बारे में बताया था और मुझे गाना गाना है, क्या तुम मेरे साथ इसकी रिहर्सल करोगे और क्या तुम वो गाना मेरे साथ सुनना चाहोगे? तो यहाँ पे सियोक कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे पिस जो होता है एक लीड खुद लगाता है और दूसरा मतलब जो होता है वो सियोक को देता है। और उसके बाद फिर ये दोनों लोग बहुत ज्यादा प्यार से अपने गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें गन को दिखाया जाता है जो कि मतलब कपड़े उपड़े अपने चेंज कर रहा होता है, दुनिया भर का बकवास कर रहा होता है। और तभी गन के पास से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी सेल्फ डिफेंस की जो क्लास है वो 5 बजे से है। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे फैंस दिखाए जाते हैं और उन्हीं में एक काला कपड़ा पहने पता नहीं लड़की या लड़का वो होता है। जैसे ही पिस और सियोक वहां पर आते हैं, ये गुमनाम इंसान कैमरा लेकर बिल्डिंग पे कहीं जाकर छिप जाता है और वहां से इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। ये काले पोशाक वाला इंसान इन लोगों की ऐसे ऐसी पिक्चर्स क्लिक करता है जिसकी वजह से वो लोगों में इनकी प्रति भ्रांति फैला सके। नेक्स्ट सीन में सियोक और पिस को रिहर्सल रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इन लोगों का डायरेक्टर होता है वो कहता है कि पहले सियोक गाना गाएगा उसके बाद पिस गाना गाएगा, मतलब दुनिया भर का जो कुछ भी इन लोगों का प्रोग्राम होता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताता है। और फिर यहाँ पे सियोक बहुत ज्यादा खूबसूरती से गाना गाने की शुरुआत करता है। सियोक सच में बहुत अच्छा गाना गाता है और उसके बाद वहाँ पर पिस आता है गाना गाने के लिए, लेकिन पिस की आवाज और लय कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं होता। फिर डायरेक्टर इन दोनों को रोकता है गाना गाने से और कहता है कि खैर पहला रिहर्सल बहुत ज्यादा अच्छा था, वैसे जिस तरह की तुम लोगों की पर्सनालिटी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन पेस तुमको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है, तुम थोड़ा सा ताल सुर लय और मतलब ऐसे बताता है कि तुम बढ़िया से गाओ और अपने अंदर के भावों को दिखाओ, और ऐसा बोलकर वो फिर से इन लोगों को गाना गाने के लिए बोलता है। एक सीन में गन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के अपने लिए कॉफी बनाता है और कॉफी बनाने के बाद वो चुपचाप बैठ के अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। तभी वहां से वही गुजरता है बहुत सारी किताबें लेकर। बहुत सारी किताबें देखकर गन इससे पूछता है कि तुम बच्चों वाली किताबें लेकर क्यों आए हो। तो वही कहता है कि एक्चुअली मिस सुजी ने मुझसे कहा है कि मैं वहां को सिखाऊं और मैं उसको बेसिक से सिखाना चाहता हूं। वैसे कि आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है? तो यहाँ पे गन कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद जाना है। तो यहाँ पे वही कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट में वही को दिखाया जाता है जो कि सारी किताबें ले जाकर वहाँ के पास रखता है। तो वहाँ वही से पूछता है वही क्या तुम हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो और मुझे ये बताओ कि तुम बच्चों की पढ़ने वाली किताबें लेकर क्यों आए हो। तो यहाँ पे वहाँ कहता है कि तुमको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, तुम जानते हो ना कि हम दोनों का प्रोनाउंस करने का तरीका कितना ज्यादा अलग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम शब्दों का सही साउंड नहीं निकाल पाते हो। तो यहाँ पे वहाँ कहता है कि क्या हम सीधा राइम से नहीं स्टार्ट कर सकते। तो यहाँ पे वही कहता है लेकिन क्यों। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश है। तो यहाँ पे वही वहां से उसकी मिठाई की प्लेट ले लेता है और उसे कहता है कि तुम बकवास करने में वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हो। और फिर यहाँ पे ये लोग मतलब ऐसे प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्डों का प्रोनाउंस करने के बाद वहाँ मतलब सॉरी वही वहां से कहता है अगर तुम ये नहीं पढ़ पाते हो तो तुमको जाकर बेसिक से वर्ड्स पढ़ने होंगे। फिर वहाँ आ आ ई ई ऊ ऐसे पढ़ने लगता है क्योंकि आई थिंक यहाँ के अल्फाबेट्स का साउंड और हमारे यहाँ के अल्फाबेट का साउंड लगभग सेम है। यहाँ पे वही वहाँ की मिठाई खाने लगता है और वहाँ उसको घूर घूर के देखता है। तो वही वहाँ से कहता है वहाँ क्या तुम्हें भी थोड़ा सा चाहिए। तो यहाँ पे वहाँ हाँ
बोलता है तो वही उसके मुंह तक लेकर जाता है और फिर मिठाई लेकर खुद खा लेता है, उसे नहीं खिलाता। ये सब देखकर वह गुस्से में आ आ ई ओ प्रोनाउंस करने लगता है। तो यहाँ पे वही फिर से दूसरा पीस उठाता है और वो वह को मतलब ऐसे खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे वह झट से वो मिठाई खा लेता है। तो यहाँ पे वही बहुत प्यार से वह के मुंह पे लगी हुई मिठाई साफ करता है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोक और पीस को गाना गाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे पीस थोड़ा सा बेटर गाना गा रहा होता है। यहाँ पे लोगों का डायरेक्टर कहता है कि हाँ चलो इस बार सही है, वैसे मैं चाहता हूँ कि पीस थोड़े से और इमोशंस दिखाए, लेकिन ठीक है मैं चाहता था कि तुम्हारे इमोशन से ऐसा लगे कि तुम दोनों का प्यार बहुत ज्यादा गहरा है और दुनिया भर की बकवास करता है और फिर इन लोगों को जाने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पे हाउस ही आती है पानी की बॉटल लेकर, वो पिस और सियोक को देती है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और वो हाउस से कहती है कि मुझे आपसे पिस और सियोक को लेकर कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे हाउस से चली जाती है और इन लोगों से बोलती है कि तुम लोग खुद से घर चले जाना और मुझे कॉल जरूर करना। हाउस के जाने के बाद पिस जो था सियोक से कहता है कि मुझे माफ करना, आज मैं कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं गा पाया। यहाँ पे सियोक कहता है ऐसा नहीं है पिस, तुमने काफी अच्छा किया था और टीचर ने बाद में तुम्हारी तारीफ भी बहुत ज्यादा की थी। यहाँ पे पिस कहता है सियोक तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, और मैं नहीं हूँ, मैं ये बात सीरियसली बोल रहा हूँ। यहाँ पे सियोक कहता है कि पिस तुम अपने आपको कम मत समझो, आज मैं सिंह से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो पिस कहता है कि अच्छा रहेगा अगर मैं न जाऊँ क्योंकि आजकल मैं उससे बहुत ज्यादा मिलता हूँ, सिंह से मेरी तरफ से हाय बोलना। तो पिस सियोक कहता है ठीक है, तो क्या मैं पहले तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो पिस कहता है कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं खुद से घर चला जाऊंगा। तो सियोक कहता है जब तुम घर पहुंच जाना तो मुझे बता देना ठीक है, क्योंकि सिंह मेरा इंतजार कर रहा है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जाते जाते सियोक जो है वो पिस को टोपी और मास्क देके जाता है और पिस जो है वही टोपी और मास्क लगा के वहां से बाहर निकलता है। जब पिस बाहर निकलता है तो वो सामने से गन को आते हुए देखता है और तभी पिस के सामने एक लड़का जो था वाटर बॉटल लेकर गिर जाता है। तो पिस उसकी मदद करने लगता है। इसको देख कर ये लड़का कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने आज छुट्टी ली है। हाँ, तो पिस कहता है कि हाँ। तो ये लड़का पिस से उसका नाम पूछता है। तो पिस कहता है मेरा नाम पिस है। तो ये लड़का कहता है ओ तो तुम ये हो, चलो मेरे साथ अंदर आओ। वो लड़का पिस को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और पिस से फ्रिज में वाटर बॉटल्स रखवाता है। और वहाँ पे एक टीचर होते हैं जो कि मतलब ऐसे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं फाइटिंग। वो टीचर अपने पार्टनर को उठा के पटक देते हैं। उसके बाद गन से कहते हैं कि गन मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो। और फिर यहाँ पर गन भी टीचर के बताए हुए निर्देशों के हिसाब से फाइट करने लगता है और दूर खड़ा पिस भी इन लोगों को ऐसे घूर घूर के देखता है और वो भी मतलब फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है अकेले ही। तो फिर गन उस लड़के को उठा के पटक देता है जिसकी वजह से लड़के के कंधे में मोच आ जाती है। और यहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो मतलब पिस से पानी लाने के लिए बोलता है, लेकिन पिस अपने बगल खड़े लड़के को पानी लेकर भेज देता है और गन के सामने से बचते बचाते अपने चेहरा छिपाते हुए वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सियो को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी सिंह नाम के इंसान से मिलने आया होता है। सिंह का चेहरा हमें इस पूरे एपिसोड में नहीं दिखाया जाता है, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में मैं नहीं बोल सकता। सियो दौड़ता हुआ सिंह के पास जाता है और कहता है कि सिंह हेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और यहाँ पे वो मतलब सिंह को खाना वाना खिलाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस रहस्यमय इंसान को दिखाया जाता है जिसने सियो और पिस की पिक्चर्स क्लिक करी हुई होती है और वो उन पिक्चर्स की फोटोकॉपी निकाल रहा होता है। सिंह में ट्रेनिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे गन के पार्टनर का शोल्डर बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है। तो टीचर गन के पार्टनर को जाकर अरेस्ट करने के लिए बोलता है और गन से फाइट करने के लिए वो पिस की तरफ इशारा करता है, कहता है कि हेलो तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, तुमने सब कुछ देखा है ना, चलो यहाँ पे आओ और फाइट में इसकी मदद करो। तो यहाँ पे पिस गन से अपना चेहरा छिपाते हुए वहाँ पे आता है। तो ट्रेनर गन मतलब पिस से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो पिस कहता है कि मेरा नाम पिस है और मेरा मतलब निक नेम जो है वो ये है। तो ट्रेनर कहता है कि हाँ जो भी हो तुम अपना नाम छोड़ो और जाकर उसकी मदद करो क्योंकि तुमने अभी सब कुछ ये देखा है। तो यहाँ पे पिस कहता है ठीक है सर। और यहाँ पे पिस और गन मतलब दोनों लोग फाइट करने लगते हैं जैसा कि ट्रेनर ने बताया होता है। और यहाँ पे गन जो होता है वो पिस को उठा के पटक देता है। गिरते ही पिस का सारा मतलब टोप ऊपर गिर जाता है। तो अपना टोपा पर संभालता है और गन से अपना चेहरा छिपाता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और जैसे वो उठकर घड़ी की तरफ देखता है तो 7 बजने वाले होते हैं और घड़ी का टाइम देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और ट्रेनर से कहता है कि अब मुझे घर जाना है। इस दौड़ता हुआ रोड पे आता है, बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने लिए टैक्सी ढूंढता है। तो यहाँ पे उसको एक मोटरसाइकिल वाली टैक्सी मिलती है और वो उस पर बैठ के घर जाता है। इस जैसे घर पहुंचता है मिस सूजी उसका सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये सब देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगता है। सो फ्रेंड मैं इस सीरीज को यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज पर बहुत ज्यादा व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं। एक एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जब व्यूअर्स नहीं आते तो फिर एक मतलब दिल टूट जाता है।